क्योंकि सरकार का रवैया क्या है, तानाशाह रवैया है। ठीक है भाई, सरदार बैठेंगे तो खालिस्तानी हो जाएंगे, मुसलमान बैठेंगे तो पाकिस्तानी हो जाएंगे, कलकत्ता में बैठेंगे तो बांग्लादेशी हो जाएंगे। यानी सरकार किसी न किसी तरीके से जनता को ही बरगला देती है। एक साल तक किसान धरने पर बैठा रहा, 600 किसान मर गए। मोदी जी ने कब वापस लिया? 750। कब वापस लिया? जब यूपी में इलेक्शन आए, हरियाणा में इलेक्शन आए, यानी इलेक्शन राजा बंदा। ठीक है, यानी चुनाव आएंगे तो आंदोलन। अभी भी ट्रक ड्राइवरों के लिए आया था कानून, तुरंत वापस हुआ। वजह 2024 का इलेक्शन था। ये खाते भांग की गोली, इनकी मूर्खता देखो। 70 सालों में जिसमें कांग्रेस बीजेपी सारी सरकार मिक्स है, 70 सालों की सरकार मिलकर लेती है 55 लाख करोड़ कर्जा। ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अकेले मोदी ने लिया 150 लाख करोड़ का कर्जा। ठीक है, ये शर्मनाक बात नहीं है। इस भाई को गलत फहमी है कि मैं चीख लूंगा, सुनूंगा नहीं और हंस लूंगा तो मेरी बात सही हो जाएगी। ठीक है, 100 मूर्ख भी मिल जाए तो एक सही इंसान को गलत ठहरा देते हैं, मगर वो गलत होता नहीं। एक भाई इन लोगों की यही है, व्हाट्सएप ज्ञान से आते हैं और छोटी छोटी बातों पे बीच बीच में टोकेंगे। अरे भाई सुन तो ले यार, भाई पूरी तो सुन ले भाई, आधी सुन के बिल बिल बुलाने लग रहा है यार। इन्हें 370 पता ही होती तो ये यहाँ पर बोले होते, पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धि थी 370, इन्हें पता है क्या? ठीक है, ताली बजाने से और दांत फाड़ने से बातें गलत नहीं हो जाती। सुनो, 370 पे स्टडी कर लेना कि नेहरू ने कैसे बनाया कश्मीर को हिस्सा। ठीक है, 300, ठीक है, इलैबोरेट कर दो। अरे भैया कितना नॉलेज है, इलैबोरेट मुझे बताओ। सुनोगे? पेशेंस है सुनने के? कश्मीर भारत का पार्ट नहीं था, राजा हरि प्रसाद वहाँ के साथ सकते हैं। पहली बार सारा इंडिया नहीं था, सारा ही कोटा। एक मिनट एक यार सुन ही नहीं रहे, सारा इंडिया नहीं था। ठीक है, ठीक है, पता है क्या है वही इन लोगों की यही है, व्हाट्सएप ज्ञान से आते हैं और छोटी छोटी बातों पे बीच बीच में टोकेंगे। ठीक है, इंटरव्यू भी नौकरी का हमने व्हाट्सएप से क्लियर करा है, दिल्ली में बैठे मूर्ख हम। भाई सुन लो, 370 पे इतना क्यों तिलमिला रहे हो? सुनो यार, राजा हरि प्रसाद वहाँ के शासक थे, कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, एक अलग ही राज्य था। ऐसे कई सारे थे भारत में, कई सारी रियासतें थी जो नेहरू ने मिलाई। कश्मीर को लेकर राजा हरि प्रसाद का स्टैंड था कि कश्मीर की स्वतंत्रता यानी इसके कल्चर को नहीं खत्म किया जाएगा, और दूसरा ये कि वो चाहते थे कि मैं शासक बना रहा हूँ। ठीक, तो कश्मीर का कल्चर ना फिनिश हो इसलिए 370 लगी। और सिर्फ कश्मीर में नहीं लगती है, हिमाचल में भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश में भी लगती है, ये उत्तराखंड में भी लगती है, ये वहाँ के कल्चर को सुरक्षित रखने के लिए लगी हैं। 370 नेहरू की उपलब्धि थी, जो कश्मीर भारत का ना होकर भी कश्मीर को अस्थायी रूप से भारत का बनाया, और बाद में नेहरू भी इसी पक्ष में थे कि 370 खत्म करेंगे, मगर खत्म करने का तरीका जो नरेंद्र मोदी का था उससे डिफरेंट नेहरू चाहते थे। वो चाहते थे जनमत संग्रह से कश्मीर भारत का हिस्सा बने, जिसे ये 370 नेहरू की कमी बना के बता रहे हैं। असल में ये उस टाइम के हिसाब से नेहरू की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और दूसरा रेफरेंस बता देता हूँ, एक मिनट रेफरेंस सुन लो। हो सकता है मेरी बात इन्हें गलत लग रही हो, देश में यूपीएससी की तैयारी कराने वाले आईएएस विकास दिव्य कृति सर हैं, जो जिन्होंने पूरा 3 घंटे का वीडियो, 3 घंटे 22 मिनट का वीडियो सिर्फ 370 पे बनाया, 370 पे बनाया, और फिर उसको पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना, उसके बाद बात करना कि 370 कांग्रेस की उपलब्धि थी या कमी थी। जवाब सुनिए, एक टाइम पे हो सकता है कि किसी हमारे देश के प्रधानमंत्री को लगा हो कि हमें जम्मू कश्मीर को अपना राज्य बनाना है, भाई उन्होंने उसके हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन करी, ठीक है, वो मैं उसको उपलब्धि भी मान लेता हूँ, लेकिन क्या समय के साथ उसको चेंज नहीं करना था? प्रश्न यहाँ उठता है, क्यों नहीं करा वो जनमत संग्रह, क्यों नहीं करवा पाए? मोदी ने तो जैसे मर्जी करा, तिगड़म लगाई, जो मर्जी जुगाड़ करा, कर गया ना बंदा जो बोला। नेहरू तो ना कर पाए, उन्होंने इसलिए ये चीज करी थी 370। सुनिए एक मिनट, मुझे जवाब देने दीजिए, अब एक मिनट मैंने पेशेंस रखी, मुझे लेट मी फिनिश माई सेल्फ। हाँ, उन्होंने जोड़ा, बढ़िया बात करी यार, जम्मू कश्मीर को बचा लिया, वरना क्या पता पाकिस्तान में चला जाता, जैसे जिन्ना की थाली में आधा दे दिया था, क्या पता पूरा ही दे देते, ले जा भाई। तो हो सकता अच्छा काम करा कि ले लिया, लेकिन जब, अरे एक मिनट सुन, आप लक्षद्वीप पे मत आइए, मुझे यहाँ काम करने दीजिए, और भाई मैं थोड़ा सा इस पे बात करनी है मुझे। आपने बोला ठीक है, उनकी उपलब्धि थी नेहरू जी की, बहुत बड़ी उपलब्धि थी, धन्यवाद उनके लिए उनको, लेकिन समय के साथ अगर चीज़ें बदली तो क्या उस पे क्या स्टैंड रहा हमारा, क्यों नहीं चेंज करा गया? जब आर्मी वालों को वहाँ के लोग पत्थर मारते थे तो आर्मी को अथॉरिटी नहीं थी वहाँ पे गोली चलाने की? जिसके बाप ने सफर किया वो ये चीज जानता है, जो नहीं जानता, जिनका था नहीं कोई वहाँ पे, ये अभी नहीं, लेट मी फिनिश, क्यों नहीं करा फिर उन्होंने? आपने बोला वो जनमत संग्रह करवा सकते थे, जब उनके पास पावर थी, पूरा देश उनके साथ था, क्यों नहीं करवाया? क्यों क्यों भाई क्यों? दे दो ना यार, कितने लोग अब ये जिन्ना के बारे में बोला, आधा थाली दे। एक मिनट 370 ये कहते हैं कि बाद में जनमत संग्रह क्यों नहीं करवाया? पहली बात तो उस समय के बाद ये तय था कि इस जनमत संग्रह कराने के लिए कम से कम
एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र की स्थापना हो जाए। तो भारत की अपने आप अंदर में इंटरनल पॉलिसियां चल रही थी, 10 साल तो भारत स्टेबल ही नहीं हुआ पहले बार। अब सुनो उसके बाद सुनो नेहरू के बाद कोई सी गवर्नमेंट स्टेबल रूप से चली नहीं, ठीक है, मेजोरिटी से नहीं चली। नहीं नहीं एक मिनट, मेजोरिटी से नहीं नहीं, इंदिरा गांधी के बाद 2 बार प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद फिर सरकार गिरी थी, जेपी आंदोलन हुआ था, काफी सारे तिगड़म। अगर मेजोरिटी नहीं होती है सरकार की तो सरकार क्या करती है, दूसरी पार्टियों का सहयोग लेती है, तो विचारधारा तो मिलती है, सरकार तो विचार मेजोरिटी से बनती है, तो क्यों नहीं उन लोगों साथ मिलकर पार्टी बनाएंगे, हम मेजोरिटी में आएंगे और जनमत संग्रह लाएंगे अपने फायदे के लिए, रोटियां सेकने के लिए आपने गठबंधन करा और मुद्दा निकल गया तो हमने क्या बोला कि वो नहीं, गलत सुनो, मेजोरिटी जो थी राज्यसभा लोकसभा दोनों में होनी चाहिए। अच्छा। और नहीं रही है भाई, दोनों जगह पे मेजोरिटी नहीं रही है, इसलिए नहीं हुआ। दूसरी बात सुनो, और सुनो, नहीं बनी ना भाई, सुनो और सुनो, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा क्या रहा, जैसे तुम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखते हो, ठीक है, मोदी जी ला रहे हैं कि विदेशों से इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, आज तो मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं आधार कार्ड, आज तो मोदी जी लॉन्च कर रहे हैं क्या, अरे सुनो एक मिनट सुनो यार, अरे भाई सुन तो ले यार, भाई पूरी तो सुन ले भाई, आधी सुन के बिल बुलाने लग रहा है यार, पूरी सुन तो ले भाई, सुनो आधार कार्ड जब कांग्रेस लाई थी तो मोदी जी ने कहा था ये लूट का साधन है, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, आज तो मोदी जी समर्थन कर रहे हैं, मोदी जी ने इसका विरोध किया था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मोदी जी ने विरोध किया था, कांग्रेस की जितनी पॉलिसी है मोदी जी ने विरोध किया था, और आज जितनी पॉलिसियां चल रही हैं वो कांग्रेस की चल रही हैं साहब, ठीक। और दूसरी बात, ठीक है, ये जो तुम कह रहे हो ना मेजोरिटी जितनी लोकसभा और राज्यसभा की जो मेजोरिटी है ये मोदी को ही मिली है, ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी को नहीं, क्योंकि लोग बेवकूफ ऐसे दे दिए वोट, खरीद लिए उसने पैसे से, मर्जी है ना लोगों की, डेमोक्रेसी है ना, हमने जिताया हम भुगतेंगे, आपको क्यों चिढ़े जब आपने वोट दिया ही नहीं, लोगों डेमोक्रेसी में जीता ना, वो फुल मेजोरिटी है, उसको अपनी मर्जी से काम करने दो, क्योंकि मैं इस देश का जिम्मेदार नागरिक हूँ, मुझे देश से, मुझे मौजूदा सरकार से सवाल पूछना है, आज तक एक हॉस्पिटल के लिए नहीं लड़े, अभी दूसरे भी इकट्ठे हो रहे एक बंदे को घेरने के लिए, नहीं नहीं एक मिनट अस्पताल है क्या ये पूछ रहे हैं, ये इस भाई को गलत फहमी है कि मैं चीख लूंगा सुनूंगा नहीं और हंस लूंगा तो मेरी बात सही हो जाएगी, ठीक है, इन्हें 370 का पता नहीं था, थोड़ी देर पहले नेहरू की गलती थी, उसके बाद जब मैंने बताया तो उपलब्धि हो गई, ठीक है भाई, नेहरू की गलती नहीं थी, वो नहीं थी ना नेहरू की गलती, नेहरू की उपलब्धि थी वो, ठीक है, बाद में किसी सरकार कांग्रेस की नहीं रही, क्यों बाकी फिर बीच में बीजेपी की सरकार नहीं रही, क्यों नहीं हटाया बीजेपी ने, भाई अटल बिहारी वाजपेयी की भी सरकार थी, ठीक है, अरे तो नहीं थी, कांग्रेस के पास मेजोरिटी होती कांग्रेस भी हटा देती, ठीक है, सुनो देश में क्रूर शासक होना, ठीक है, रिजाइम सरकार होना, ठीक है, और देश की लोकतांत्रिक सरकार होने में फर्क है, मोदी जी का शासन करने का तरीका तानाशाही है, कांग्रेस का तरीका लोकतांत्रिक था, यह फर्क है दोनों की सरकार में, ठीक है, जब भैया कांग्रेस के टाइम पे आंदोलन होते थे, ध्यान से सुनना, कांग्रेस के टाइम पे अन्ना हजारे बैठा, ठीक है, आंदोलन पे तो घर घर आंदोलन हुए, ठीक, लोगों ने कहा भाई अन्ना नहीं आंधी है, देश का दूसरा गांधी है, कांग्रेस ने क्या कहा उसको, पाकिस्तानी कहा, खालिस्तानी कहा, क्या कहा, नहीं कहा ना भाई, जगह जगह आंदोलन हुए, सरकारें बैकफुट पर जाती थी, मीडिया सरकारों के खिलाफ कैंपेन चलाती थी, ठीक है, और सरकारों की आलोचना होती थी, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी आंदोलन करने वालों पर सवाल नहीं उठाया, ठीक है सवाल उठाया, लेकिन मोदी सरकार में तुम कितने भी आंदोलन है हर बार कांग्रेस गवर्नमेंट सही हो जा रही है, क्यों, क्योंकि सरकार का रवैया क्या है, तानाशाह रवैया है, ठीक है भाई, सरदार बैठेंगे तो खालिस्तानी हो जाएंगे, मुसलमान बैठेंगे तो पाकिस्तानी हो जाएंगे, कलकत्ता में बैठेंगे तो बांग्लादेशी हो जाएंगे, यानी सरकार किसी न किसी तरीके से जनता को ही बरगला देती है और जनता के विरुद्ध जनता को खड़ा करके रखा हुआ है, भाई आंदोलन था CA का, ठीक है, NRC का, लोग किसके खिलाफ लड़ रहे थे, सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ आंदोलन था, सरकार के खिलाफ, पॉलिसी किसकी थी, सरकार की थी, जवाब किसको देना चाहिए, सरकार को, और जवाब दे कौन रहा था, हिंदू मुसलमान को समझा रहा था, जवाब दे कौन रहा था, कपिल मिश्रा कह रहा था, जवाब कौन दे रहा था, लोग दे रहे थे, भाई किसान आंदोलन पे बैठे कहें बीजेपी के समर्थक किसान आ गए किसानों को समझाने के लिए, ऐसा ही होगा इस देश में, सरकार को चलाने का तरीका बदल गया, सरकार तानाशाही तरीके से चला रही है, भाई कश्मीर में शासन हट गया, ठीक है अच्छा हुआ 370 हटनी चाहिए, अच्छा हुआ, मगर हटाने का तरीका न कल वैलिड था, न आज वैलिड है, न इतिहास में उसे वैलिड कहा जाएगा, ठीक है, दूसरी बात, नहीं सुनो तुम्हारी बहुत सुनी है, सुनो, और दूसरी बात, इस देश में बेसिक मुद्दे रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, रोना इस देश की जनता का धर्म है सरकार के आगे, और जनता इन चीज़ों के लिए ही वोट करती है, और सरकारों का काम है ये चीज़ बनवाना, सड़क नाली मोहल्ले बनवाना सरकार का काम है,
भाई मैं अगर कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ 20,000, 22,000, 50,000 कमा रहा हूँ तो अपने लिए कमा रहा हूँ, अपने परिवार के लिए कमा रहा हूँ, अपने जीवन में कम्फर्ट लाने के लिए कमा रहा हूँ, सड़क बनवाने के लिए और प्राइवेट स्कूल में और स्कूल में फीस भरने के लिए नहीं कमा रहा। सरकार को नेट इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, डायरेक्ट टैक्स जाता है और विदेशों से भी टैक्स आता है, हर चीज़ में टैक्स लेती है। इस सड़क पर चल रहे हो, 35 किलोमीटर चलने के बाद 250 रुपये का टैक्स देते हो, तो हर चीज़ में जब टैक्स है तो हमारी जिम्मेदारी है सरकार से सवाल करें, सरकार उस चीज़ को पूरा करे। ठीक है, डिक्टेटरशिप के ऊपर इनका पहला पॉइंट था कि मोदी बहुत बड़ा डिक्टेटरशिप है। अब सुनिए, 1,000 गाली आपने मोदी को दे दी, कल सुबह जिंदा ही रहोगे, ये पहला सबूत है कि वो डिक्टेटरशिप नहीं है। किसको गोली मार दी, ठीक है उन्होंने किसानों के लिए गलत रूल लाया होगा, माइट बी इट इज रॉन्ग, वापिस लिया आंदोलन करने पे नहीं। एक मिनट सुनो ना, सुनोगे सुना करो यार मेरी आधी, एक मिनट भाई, ये कह रहे वापिस ले लिया, एक मिनट ये कह रहे वापिस ले लिया। अरे भाई तो मैं ये नहीं कह रहा, बोलना तुम ही, लेकिन एक बात जब मैं टोक रहा हूँ तो उसको कंप्लीट होने दो कम से कम। ये कह रहे किसान आंदोलन वापिस ले लिया, मतलब एक मिनट, आंदोलन नहीं बिल वापिस ले लिया। एक साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, 600 किसान मर गए, मोदी जी ने कब वापस लिया? 750 और कब वापस लिया? जब यूपी में इलेक्शन आए, हरियाणा में इलेक्शन आए, यानी इलेक्शन राजा बंदा, ठीक है, यानी चुनाव आएंगे तो आंदोलन। अभी भी ट्रक ड्राइवरों के लिए आया था कानून, तुरंत वापस हुआ, वजह 2024 का इलेक्शन था। अगर इलेक्शन ना होता ना तो किसान और एक साल बैठते। भाई साहब कैसी बात कर रहे हो तुम, छोटा सा जवाब देता हूँ। अब मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में बताता हूँ, वी विल डेवलप अ सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करा उसकी हम टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग तो जरूरी है ना, तभी पता चलेगा सही है कि गलत है। उस बंदे ने कानून निकाला, उसके माइंड से उसको सही लगा यार। इतने हम सुनिए, ड्राइवर वाला भी निकालो, उन्होंने कुछ सोच के निकाला होगा, उन्हें लगा कि उनकी तीनों वापस ले लिया, जनता का विरोध है, उसने जनता की जनमत को माना ना। एक मिनट, लेट मी फिनिश यार, आप एक तो वापिस करा कि नहीं करा, मैं ये करा, एक मिनट सर, अगर वो डिक्टेटर होता तो वो गोली चलवाता, क्यों वापस कर? अरे गोली चली है, चली लखनऊ में हुआ। सुनो, जितनी ज्यादा घर तोड़े गए यूपी में, जितना ज्यादा बिल्डोजर चलाओ, जितनी ज्यादा गोली लगी, ठीक है, यूपी में बंदे मरे, सीए एक मिनट तो यूपी में ही बोले गए सीए प्रोटेस्ट में, पूरे भारत में प्रोटेस्ट हुआ लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा लोग मरे, क्यों? ठीक है, योगी में इसे तोड़े ना, इसी को तो तानाशाही बोलते हैं। बहुत कुछ होता था यार यूपी में, हमें भी पता है, होता था धर्म के नाम पे नहीं होता था। मायावती किसकी सपोर्ट से जीतती है, कौन सी क्लास को टारगेट करती है, कौन सी क्लास का वोट बैंक है? एससी कास्टबाजी नहीं खेलती है मायावती, क्या उसका वोट बैंक नहीं है वो? कौन सी नहीं हमने कब मना करा, हिंदू भाई है, लेकिन वो भी वोट बैंक राजनीति करती है ना, मायावती हिंदू नहीं है तो वो भी तो खेलती है, तो उसे भी तो वोट बैंक है, उन्हें वोट क्यों नहीं देते? अरे हम क्यों देंगे उन्हें वोट, वो एससी है तो दो उन्हें, हमें क्यों, अगर नहीं मिलती है तो क्यों दूं मैं? मेरी मिलती नहीं है हिंदू तो है वो, अरे हिंदू होने से क्या, हिंदू तो राहुल गांधी भी है, उसे दे दूं वोट, लेकिन उसे सबसे अच्छा शासक भी तो बताया है फोर्स वाले ने, तो मायावती ने क्यों नहीं फिर रोड बना दिया आज तक? तुम्हारे अस्पताल उस टाइम नहीं बने? हाँ सारा नोएडा मायावती ने बनाया, नोएडा में इतने अच्छे, अरे हाथी की मूर्तियाँ कहाँ तक थी, देखी थी कहाँ तक थी, कहाँ थी भाई, देख तो तुम भी नहीं रहे। अरे रुको, 700 करोड़ की सारे पार्क बने थे नोएडा और लखनऊ के, और 3600 करोड़ की अकेली उस सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनी है, अच्छा। तो कहाँ से आया वो पैसा? और यमुना एक्सप्रेस मायावती ने बनाया, तो मतलब नितिन गडकरी अभी कुछ नहीं कर रहा रोडवेज में, आप कह रहे हो मायावती की बात करो ना, अभी नितिन गडकरी की भी कर लेंगे भाई, ठीक है मायावती की करो, बता रहे हैं पार्क उसने हाथी बना दिए, पार्क बना दिए, पार्क में आम आदमी तो जा रहा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पे कौन जा रहा है? बढ़ रहा उससे नहीं बढ़ रहा, लोग देखने नहीं जा रहे, अच्छा अच्छा मायावती बना रही है उससे टूरिज्म ना बढ़ रहा, हाथी देखने जाते हैं लोग, पार्क में जाते हैं टूरिज्म के लिए, कितनी रील आती हैं। अब एक चीज बताओ, मैं नोएडा में रहता हूँ, मैं टूरिज्म के लिए सात वाले पार्क में थोड़ी जाऊंगा, मैं पहले एक मिनट अरे तुम गुजरात बता रहे हो ना, गुजरात की सिटी और नोएडा मिला लेना, कौन सा बेस्ट है बता देना, ठीक है हमें बता, नोएडा बेस्ट है, ठीक है ठीक है। अभी पीछे विजिट किया था मैंने, ठीक है, अभी 2022 में, तारीख बताओ, 6 जुलाई 2022 को गया था मैं गुजरात में, गया था मैं, हाँ क्या अच्छा नहीं लगा आपको भाई? मुझे नोएडा से ज्यादा शांति नहीं लगी, नोएडा से ज्यादा सड़कें अच्छी नहीं है, नोएडा से ज्यादा अच्छे मॉल, एक मिनट, अस्पताल नहीं था, अब नोएडा अच्छा लगने लग गया, अभी नोएडा में कुछ नहीं था, अब नोएडा अच्छा हो गया, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं,
बताओ, एक भी बनाया हो? योगी ने एक भी बनाया हो? मोदी ने एक भी बनाया हो? मूर्ख भाई, एक मिनट, ये बंदा ठीक है, सुनो, हॉस्पिटल के और हॉस्पिटल। अरे भाई, ये इतना बड़ा मूर्ख आदमी है भाई। मैं कर रहा था रोड की बात, ये अस्पताल पे आ गया, इससे बात करोगे? अरे नाम बता रहे नहीं है भाई। नोएडा अच्छा लगा, लेकिन जब बात आई योगी की तो बुरा हो गया। योगी है तो बुरा है, मोदी है तो बुरा है। दांत फाड़ने से कुछ ना होता। अस्पताल का नाम बता और हम बताने नाम अभी। अखिलेश का, मायावती का बना हुआ, अखिलेश का बना हुआ अस्पताल बताओ मुझे, चार बताओ दो सर। अखिलेश का काशीराम कहाँ पे है सर? कहाँ है? कासने में है, कासने में है, कासना, कासने में। मैं हूँ ही नहीं। कासने में। एक मिनट, मैं बता, एक मिनट। हाँ, सैफ जिला अस्पताल सुना? नहीं, चलो अब एक चीज बताओ। एक मिनट, अरे यार, अभी तुम कह रहे हो गिनवा रहा हूँ, गिनवा दे भाई, योगी का एक अस्पताल गिनवा। अरे स्कूल बता जो है, ठीक है, सारी सुविधाओं से लैस है, सारी फैसिलिटीज है वहाँ पर, ठीक है, जो सैफ में बना था। फिर लखनऊ में सुनो, लखनऊ में भी काशीराम अस्पताल बनवाया था, ठीक है। सुनो यार पेशेंसली, अब मैं तुमसे, और मायावती का सेक्टर 30 में बना हुआ, 31 में, ठीक है। एक मिनट, अरे सुनो यार, यहाँ पे जवाब ले लो। हॉस्पिटल किसी ने भी बनाया, ठीक है, सुनो, सपोज उन्होंने अपने टाइम पे हॉस्पिटल बना दी, आज मायावती चला रही उन हॉस्पिटलों को, कौन सी गवर्नमेंट उसको फंड दे रही है? अभी भी चल रहा है वो अस्पताल की, बंद कर दिया योगी ने, चला रहा है वो। अरे तो चला तो रहा है क्यों? अबे यार चला तो रहा है, अरे बनाया क्यों नहीं? बनाएगा कौन? नहीं, एक मिनट, एक बना गई, 50 अस्पताल बना दूं, उनमें बेड ना हो, कोई चीज ना मैं प्रोवाइड करवा पाऊं, वो दिखाने को बना के क्या करूंगा? जो पहले के हैं उन्हीं को बेटर कर लो यार, अपने घर। एक मिनट, भाई ये मूर्ख, ठीक है, सुनो, केजरीवाल पागल है, केजरीवाल कैसे बेड मुहैया करवा रहा दिल्ली में नए नए अस्पताल बनवा के? केजरीवाल क्यों बना रहा था अस्पताल? वो भी चला लेता पिछली सरकारों वाले, उनने क्यों? एक मिनट यार, बोलो, केजरीवाल सुनो, दिल्ली में इतने बेड बढ़े, सुनो, एक मिनट, दिल्ली में अस्पतालों में इतने सारे बेड बढ़ाए, इतनी सुविधा बढ़वाई केजरीवाल ने, और नए नए अस्पताल अलग खोले, ठीक, नए नए स्कूल अलग खोले, पुरानी बिल्डिंगों को सही किया, सो अलग है, मतलब केजरीवाल पागल है। अरे जो काम केजरीवाल कर रहा है जनता के वेलफेयर के लिए, वही काम योगी भी तो कर सकता है। और सुनो भाई, अरे आइडियोलॉजी, एक मिनट, आप केजरीवाल को जिता दो यूपी में, काम ले लो, जब योगी जीता है तो वो करेगा। उसे जीत रहे योगी जी, क्यों जीत रहे? सही तो पूछ रहे, किन मुर्गों की वजह से भाई? ऐसे ही मुर्गों की वजह से। सुनो, केजरीवाल आ जाएगा, उससे अस्पताल भी बनवाना, उसमें बेड भी लगवाना, उसके ऊपर गद्दा भी बिछवाना, उसके ऊपर लेट भी जाना, हमें कोई और, क्योंकि योगी आ गया है, सुनो, अब क्योंकि योगी आ गया है, ठीक है, तो सुनो, तो तुम मंदिर जाना, ठीक है, हाथ में कटोरा लेना, सर पे संतरी गमछा पहनना और भागना, ठीक है, और सुनो, ऊपर वाला ना करे तुम्हें कभी अटैक पड़े, लेकिन कभी अटैक पड़े तो कसम रहे अस्पताल मत जाना, मंदिर जाना, अटैक, और सुनो, ठीक है भाई, लेकिन आप तो हिमाचल के हैं, गलत हिमाचल के, आप कांग्रेस राज्य वहाँ, ये बताइए, कांग्रेस राज्य है तो हिमाचल के, कांग्रेस ने थोड़े किया, एवरी पार्टी कंट्रीब्यूट समथिंग ना, अगर जयराम सरकार थी तो कुछ ना कुछ उन्होंने करा, मैं कब कह रहा हूँ सुक्कू सरकार ने नहीं करा? अरे एक मिनट रुकिए, कर्जा आज ही हुआ 2014 से पहले, एक भी कर्जा नहीं था, अभी हुआ कर्जा, बताइए कितना था पहले? 2014 के बाद हुआ 150 लाख करोड़, अब हुआ 150 लाख करोड़, मोदी ने लिया, पहले नहीं था, करोड़ था, अभी 205 लाख करोड़ था, बिल्कुल नहीं, 55 लाख करोड़ बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सुनो 55,000 करोड़, 55 लाख करोड़। तो जब आपके गुणवरी नेता जवाहरलाल नेहरू बिना कर्जे के ना चला पाए, इंदिरा बिना कर्जे के ना चला पाए, हमारा मोदी बिना कर्जे के वो चलाए, तुम्हारे नेता दीजिए जॉब, ये खा, सुनो पता है ये खाते भांग की गोली, इनका, इनकी मूर्खता देखो, नहीं एक मिनट, इनकी मूर्खता देखो, 70 सालों में जिसमें कांग्रेस बीजेपी सारी सरकार मिक्स है, 70 सालों की सरकार मिलके लेती है 55 लाख करोड़ कर्जा, ठीक है, तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अकेले मोदी ने लिया 150 लाख करोड़ का कर्जा, ठीक है, ये शर्मनाक बात नहीं है, मतलब एक बंदा कुछ 9 सालों में 150 लाख करोड़ का कर्जा बैठा दे, यानी प्रति हर व्यक्ति के ऊपर देखा जाए तो 1.5 लाख का कर्जा हो गया लगभग, ठीक है, 1.5 लाख का कर्जा हो गया, वो शर्म की बात नहीं है। मैं पिछली सरकार, अरे देख तो लो पिछली सरकारों का, 70 साल का कर्जा 55 लाख करोड़, और इसका कर्जा, और इसका अकेले का कर्जा 150 लाख करोड़ कर्जा है, ठीक है, और सुनो IMF, एक मिनट,
ठीक है, IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने इंडिया को वार्निंग क्यों दी, और भारत की पर कैपिटा इनकम, भारत की पर कैपिटा इनकम 170वीं नंबर की है, ठीक है, क्यों हुई भैया मोदी सरकार में, और थोक महंगाई दर कितना, मनी इन्फ्लेशन कितना है, बताओ ना मुझे। अरे आप इस समय देख नहीं रहे हो देश में क्या यार, 2020 के बाद से दिक्कत नहीं आई, बहुत दिक्कत आई है, तो क्या वो मोदी के राज में नहीं आई, तो वो ये चीजें सारी इन्फ्लेट नहीं करेंगी चीजों को, नहीं नहीं करेंगी, आप बताओ महंगाई नहीं बढ़ेगी। 2014 में अगर सिलेंडर हम बोलते हैं कि सस्ता था, आज महंगा हो गया, तो 2014 के बराबर ही तनख्वाह मिल रही है क्या लोगों को आज भी, सरकार में कितनी सरकारी लगते हैं, वित्तीय कितने लगते हैं, सुनो आप सवाल सुनिए, सवाल कर रहे तो जवाब सुन लीजिए, सवाल कर रहे तो जवाब सुनिए। 2014 में आप नौकरी करते थे कि नहीं करते थे? एक मिनट सर, अभी सुनिएगा, 2014 में नौकरी करते थे, क्या सैलरी थी आपकी 2014 में? मैं बिजनेस ही करता था अपना, सुनो ठीक है, अभी स्कूल में एडमिन थे आप, बोला ही उन्होंने आप, सुनो अरे भाई, अबे भाई सुन तो ले यार, जवाब सुन लीजिए भाई, जवाब सुन, ऐसा लगता है जैसे मैंने किसी कुत्ते के पिल्ले के पूंछ पे पैर रख दिया और पै पै कर रहा यार, सुन ही नहीं रहा यार बंदा यार, सुनो ठीक है, अब सुनो पर्सनल मत, ठीक है अरे तो भाई सुन ना, मेरे लिए भी है, मुझे योगी अच्छा लगता है, मोदी अच्छा लगता है, मैं हजार बार बोलूंगा, ठीक है, अरे भाई सुनो दिक्कत क्या, भारत माता की, अब बोलो ये सारे राम जी का पूरा नाम बताइए, ये सारे बता रहे हैं आप जय श्री राम लगा रहे, राम जी का पूरा नाम क्या था? सुनिए मेरी बात, अगर जय श्री राम के ऊपर आप मेरे से ये चीज कर रहे हो ना, अभी सुनिए, नहीं सुनिए, मैंने गलत किया कि नहीं, यहाँ पर मेरी बात गलत किया कि नहीं, अब मैं नारे की जस्टिफिकेशन दूं, आई हैव राइट कि नहीं, मुझे राइट है कि नहीं, तो मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा, क्यों नहीं होता है ना लगाने का। अरे सुनिए, जब इन्होंने वो बात करी, जब इन्होंने फीलिंग को हिट किया कि कुत्ते की पूंछ पे पैर रख दिया, इन्होंने कैसे बोल दिया, अगर इनको सरकार अच्छी लगती है मायावती की, केजरीवाल की, इनका अपना ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन अपना है, वी कैन स्टैंड फॉर अवर ओपिनियन, ये अपने के लिए रहेंगे, किसी के ओपिनियन को ये गलत नहीं बोल सकते, और मैंने अकेले ने, या मेरा वोट तो यूपी में है नहीं, मैंने तो यूपी में योगी को जितवाया नहीं, इन्हीं लोगों ने जितवाया, भाई मैंने तो नहीं जितवाया ना, मैं बताऊं कैसे जीते, कैसे जीते सर बताइए, घोटाले से, अब ये घोटाले पे आ गए, बताओ बताओ, आप मैं ले लूं, सुनो पता है क्या है गलती, एक मिनट, अब अगर पेशेंस हो ना, बिना टोके सुनना, नहीं नहीं अरे भैया यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, एक मिनट, सौ मूर्ख भी मिल जाए तो एक सही इंसान को गलत ठहरा देते हैं, मगर वो गलत होता नहीं, एक मिनट सुनो यार, मैंने क्या कहा, सुन नहीं पाए, सुन सकते हो, मैं आपको नहीं बोल रहा, अरे यार तुम भी बोल लो भैंस की पूंछ दब गई, बस बात खत्म, तुम बोलो सुअर की पूंछ दब गई, और गोच ठीक है, बस बात खत्म, अरे सुनो यही हिंदू धर्म का संस्कार है, अपने से बड़ों को इज्जत देना, वरना इतनी देर में तो अगर हिमाचल में होता तो डेमो बता देता अभी तक को, हिंदू धर्म का संस्कार है, हिंदू धर्म का संस्कार ये भी है, बीएचयू ने बलात्कार करा है, वो भी हिंदू धर्म का संस्कार है, उसी दोनों बलात्कारी को गोली मारो, हम कब कह रहे हैं उसे मत दो यार, अब देखो बलात्कारी भी आ गए, मैंने कब बोला मत दो यार, उसे मेरे से गोली मरवा दो भाई, कोई बलात्कार करता है हमसे मरो, अरे बाहर निकालो पूरी जस्टिफाई, और दूसरी बात राजस्थान पे दलित का बच्चा पानी पीते हुए मारा गया, राजस्थान नेता पी चिदम्बरम ने एक बात कही थी कि डिजिटलाइजेशन नहीं हो सकती इंडिया में, 25 पैसा या 40 पैसा कैसे देंगे हम, ऑनलाइन कैसे करेंगे, आज पूरी इंडिया में नहीं चला क्या ऑनलाइन, चीजें बदले नहीं, लाया कौन एनपीसीआई, अरे वही चीज करते, सुनिए सवाल करते तो जवाब सुन लिया कीजिए, चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नेट बैंकिंग करते थे आज से कितने साल पहले, उतनी नेट बैंकिंग चलती, शायद मैंने नहीं करी, अरे मैं बताता हूँ, नेट बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, सुनो एक ठेले वाला था, आज एक एक रुपया दो दो रुपया ऑनलाइन ले रहा है, कौन सी जगह पे, सुनिए जो आप ये बेकार की बात कर रहे हैं, सुनो अरे सुनो किसी बनिए से, एक मिनट सुनो भाई, पता है क्या है इस बंदे की दिक्कत, पता है ये सुनो ये है बीजेपी का,
सुनो, ये बीजेपी के दूर सपोर्टर, ठीक है, और इनको एक भाई सुना करो यार, सुना करो, फिर मैं मिसालें देता हूँ, तुम्हारे को नहीं बोला लेकिन फिर भी ठीक है। ये कह रहे संस्कार है, पहली बात तो भैया हिमाचल मद्रास जहाँ भारत के जिस कोने में चल रहा हूँ चल देना, ठीक है, खुला चैलेंज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ठीक है।